हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम अगेन टू दूसरा व्यू पॉडकास्ट, एपिसोड 16 है और आज अदनान है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अदनान। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मोहसिन, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और आज हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है डिस्कस करने को, तो हमने मिस कर दिया है, कुछ मसरूफियात आ गई थी, लेकिन वी आर बैक नाउ। और आज हम डिस्कस करेंगे इमरान खान और डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के हवाले से, जो हफीज मिसबा अजहर ने इंटरवीन करने की कोशिश की थी। लेकिन बिफोर गोइंग टू ऑल ऑफ दैट, बिफोर वी बिगिन, यू गाइज ऑब्वियसली नो व्हाट द डील इज। स्क्रू दोज गाइज, स्क्रू दोज अदर गाइज, चाहे वो सवेरा पाशा का शो, गेस्ट शो कह लें क्योंकि हर दो मिनट गेस्ट ही आते हैं उधर, या चाहे वो वहीद खान का साहिबजादा शो या व्हाटएवर इट्स कॉल्ड, दिस राइट हियर इज योर नंबर वन सोर्स फॉर ऑल your Pakistan cricket needs, right here on youtube.com. हाँ तो यार मोस्ट पहले तो सारे फैंस को गेट में ही कहूँगा कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको वही न्यूज़ देंगे और एक फैंस का एंगल देंगे। हमारे कोई प्लेयर्स के साथ कनेक्शन नहीं, हमारे कोई मीडिया के अंदर कनेक्शन नहीं, हमारे से कोई नाराज नहीं हो सकता, तो ना हमारे कोई पोलिटिकल वो है, तो हमें तो बस अपनी राय देनी है, फैंस की राय। आप अग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। अब मोहसिन, जैसे कि आपको पता है कि भाई पिछले एक साल में पाकिस्तान का डोमेस्टिक सर्किट चेंज हुआ, डिपार्टमेंट्स को निकाल दिया गया और जहाँ 16 टीमें होती थी वहाँ कम करके सिर्फ 6 कर दी गई, 8 डिपार्टमेंट्स को एकदम खत्म कर दिया गया और 8 जो सिटीज की टीमें थी रीजन से उनको भी कम करके 6 प्रोविंशियल बेस्ड रीजन टीम्स कर दी, ऑलमोस्ट प्रोविंशियल, क्योंकि साउथ पंजाब और नॉर्दर्न भी पंजाब से बने। अब पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि ये खान साहब के कहने पर किया गया, क्योंकि वसीम खान ने बड़ा क्लियरली ये माइकल अथर्डन को भी कहा, खान साहब ने कहा है कि 6 टीमें करो, खान साहब ये ऑस्ट्रेलिया का मॉडल, क्योंकि उनकी ये विजन अभी से नहीं, उनकी विजन 80 से, कि वो हमेशा कहते थे कि भाई 6 टीमें, और प्रॉब्ली 81 में लास्ट टाइम शायद इमरान खान पाकिस्तान ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले थे, तब से वो यही कहते हैं कि भाई 6 टीमें करो, डिपार्टमेंट्स को निकालो, 6 टीमें करो, 6 टीमें करो, 6 टीमें करो ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 6 स्टेट्स हैं, उनकी 6 फर्स्ट क्लास टीमें, तो उनकी ये ओपिनियन थी और उन्होंने आगे ये किया। और पिछले एक साल से काफ़ी एक्स क्रिकेटर्स, चाहे वो मतलब कि करंट क्रिकेट लॉट में अजहर अली हो, हफीज़ हो, जो भी गए, उमर गुल का मैं नाम ले सकता हूँ, जावेद मियादाद, इकबाल कासिम, मोहसिन हसन खान, लॉट ऑफ प्लेयर्स, सिकंदर बख्त इवन हैव कमेंटेड कि भाई ये डिपार्टमेंट्स को होना चाहिए, एवरीवन प्रॉब्ली आई गेस एवरीवन के भाई डिपार्टमेंट्स को होना चाहिए, डिपार्टमेंट्स को होना चाहिए, और मैं भी समझता हूँ डिपार्टमेंट्स को होना चाहिए, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि हाँ, मुझे तो उम्मीद थी कि खान साहब एक रवायत बरकरार रखेंगे यू टर्न्स की, और इस पर भी एक यू टर्न लेंगे खूबसूरत सा, और एक अच्छा यू टर्न लेंगे, लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ उन्होंने यू टर्न नहीं लिया। प्लस उन्होंने सिर्फ 192 प्लेयर्स और मैच ऑफिशियल्स को रिटेन किया है, तो जो गए हैं वो किधर जाएंगे? हफीज का यही कहना था मेरे लिहाज से, पॉलिटिकल असाइड कर लेते हैं बिकॉज टू बी ऑनेस्ट ऑल पॉलिटिशियंस आर लायर्स, उसको असाइड रखें, हफीज ने जो किया था, हफीज जहाद के लिए गए थे, जान दिल नजर आ रहे हैं, उन्होंने देखा था कि लोगों की नुकसान हो रहा है, माली नुकसान हो रहा है, लाइवलीहुड जा रही है, और गए रूलर के पास भी, उन्हें बताया उन्हें कि ये मसले, लेकिन इमरान खान ने वही अपने 6 टीमें जो 80s की सोच थी वही अभी सोच है, और कुछ ज्यादा अल्टरनेटिव नहीं दिए उन प्लेयर्स को हु लॉस्ट देयर जॉब, तो इस हवाले से आपका क्या कहना है कि ही इज नॉट चेंजिंग हिज माइंड? एग्जैक्टली वही मुझे समझ नहीं आ रही कि खान साहब को आई थिंक कि वो अड़ गए हैं, वो नहीं मानेंगे, क्योंकि बड़ी दफा लोगों ने कम्युनिकेट किया, मोस्ट सिंपल पॉइंट है, डिपार्टमेंट लोगों को मानने की जरूरत है, डिपार्टमेंट है, एक बैंक है, अगर आप लेट्स सपोज HBL है या कोई UBL का डिपार्टमेंट, अगर आप HBL से क्रिकेट खेलते हो तो डिपार्टमेंट का ये फायदा है कि वो आपको एक तो फुल टाइम जॉब देता है, यानी कि फुल टाइम आपको पैसे मिलते हैं थ्रू आउट द ईयर, नॉट जस्ट द टाइम व्हेन यू आर प्लेइंग क्रिकेट, आपको मैच फीस मिलती है, रिटेनर्स मिलते हैं, यहाँ मैच फीस और वो मंथली फीस तो मिल रही है, लेकिन डिपार्टमेंट से बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जो डिपार्टमेंट्स फैसिलिटीज देते थे वो बहुत अच्छी होती थी, क्योंकि तो अच्छे पैसे हैं, प्लस उसके अलावा पर्क्स थे, उनसे ये फायदा होता था कि प्लेयर का सारा फोकस सिर्फ क्रिकेट पर होता था, कि वो मतलब आराम से अपना क्रिकेट की इक्विपमेंट खरीद सकते हैं, आपको पता है बैट्स बड़े महंगे आते हैं, क्रिकेट के ग्लव्स हो गए, हाँ जो हाँ जिम है, जिम जाना है प्लेयर ने, उसने अपना प्रोटीन का डब्बा लेना है, तो वो सब कुछ अफोर्ड कर सकता था डिपार्टमेंट के पैसों में, क्योंकि हर प्लेयर पाकिस्तान नहीं खेलता, हर प्लेयर PSL नहीं खेलता, अब तो चलो PSL आ गई, कई प्लेयर उसमें पिक हो जाते हैं, लेकिन हर प्लेयर वो नहीं खेलता, कई प्लेयर जो सिर्फ टेस्ट के लिए स्पॉट के लिए लड़ रहे हैं। अब वो ऐसे अगर मैं आपको सिर्फ सिंपल हाइक कर दूँ कि एक ऐसा प्लेयर जो पहले डिपार्टमेंट से था और अब फर्स्ट क्लास के सारे मैच खेलता है और टॉप डिवीजन में खेलता है, यानी कि जो फर्स्ट क्लास है, ठीक है वो हाँ सारे मैच खेलते हैं,
अगर वो पहले 100 रुपये कमा रहा था पूरे साल में, तो अब वो 60 रुपये कमाएगा या तकरीबन 50 से 60 रुपये कमाएगा, और इन्फ्लेशन 10% बढ़ गई है और उसकी इनकम जो 40-50% नीचे आ गई है। तब मुझे एक बात समझा दे कोई। मैं एक बार सेंड कर दूँ कि आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपने उसकी जॉब जो है वो परमानेंट से कॉन्ट्रैक्ट कर दी, उसकी इनकम आपने 40% कम कर दी, और आप उससे परफॉर्मेंस कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? ये मेरा बस सवाल है। इतनी अच्छी बात की आपने कि प्लेयर्स भी कम हुए हैं, ठीक है, उसके बाद इनकम उनके लिए राइज नहीं हुई, वो भी कम हुई है। इट्स सो मेस्ड अप कि प्लेयर्स भी कम हुए, इनकम भी कम हुई है, प्लस लोगों की इनकम देखो जो टॉप बोर्ड ऑफिशियल्स हैं, अगर उनकी इनकम हाफ भी हो जाए तो कितने ज्यादा प्लेयर्स को, कितनी फैमिलीज को वो मिल जाएगा? मुझे समझ नहीं आ रही हम अपने पैसे कैसे इन्वेस्ट करें। इमरान खान इस लिहाज से तो सामने नहीं आ रहे, उन्होंने बस बोले कि 6 डिपार्टमेंट्स कर दो, लेकिन जैसे पैसे यूज हो रहे हैं पीसीबी में उस पर काफी ज्यादा गिला है, शक भी है कि क्या हो रहा है। लेकिन इमरान खान ने क्यों किया ये, इस दूसरी पर्सपेक्टिव को भी देखना होगा। इमरान खान ने ये किया था कि पाकिस्तान डिपार्टमेंट क्रिकेट बेहतर, उन्होंने कहा कि टीथिंग टाइम चाहिए सिस्टम को बनाने के लिए। मुझे शक नहीं है कि सिस्टम उनका बहुत अच्छा बनेगा। 6 टीमें अगर हों पाकिस्तान की बेस्ट प्लेयर, इसमें तो शक ही नहीं है क्रिकेट का स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा। लेकिन इन्होंने जो ये हरकत की टीथिंग, ये क्या है मुझे, ये इन्होंने जो टीथिंग टाइम का लफ्ज यूज किया था, हम किस चीज़ का इंतजार करें? उन प्लेयर्स को वापस जॉब्स तो नहीं मिलेंगी, किस ऑस्ट्रेलिया की बॉडी 2.5 करोड़ है, 25 मिलियन है, ऑस्ट्रेलिया से 10 ज्यादा पॉपुलेशन है, और पाकिस्तान में एक ही स्पोर्ट है जो कि लोग जाके करियर बना सकते हैं। पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया के लिए कम है, तो हमारी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 8 टीम्स तो होनी चाहिए थी, इफ नॉट 16 या 8 या 10 तो होनी चाहिए थी, इफ नॉट 16। वो आपकी बात को एक और दम दिया था, किसने दिया था? वसीम खान ने खुद ही दिया था, किसान मानी ने खुद ही दिया था कि हम डिपार्टमेंट साइड पे नहीं करेंगे। वसीम खान ने कहा 6 टीमें नहीं, 8 टीमें शायद हो जाए, 9 टीमें हो जाए। आखिर में वही हुआ जो खान साहब को चाहिए था, आखिर में वही हुआ जो खान साहब चाहते थे। फीस से हाँ मैंने बात कर लिया, वो मिसबाह समझा के मैंने खत्म। इमरान खान इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इसको ना भूलें, एंड ही इज द पेट्रन चीफ ऑफ द पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ही इज योर प्राइम मिनिस्टर। ये सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म जिस तरह कहा कि वो 6 टीमें रखेंगे, यार मेरे ख्याल से ये तवाकुन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, मेरी राय है कि एक तो इनकम स्टूडेंट कम, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट जॉब नहीं, तीसरा सिर्फ 6 टीम्स तो मुझे हमेशा से लगता है बड़ी कम है। यार यार मेरा आपसे मुझसे एक क्वेश्चन है कि अगर आप मुझे पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट टेस्ट बैट्समैन का नाम बता दें, वो कौन से होंगे, एक या दो, कोई भी आपकी मर्जी। ऑब्वियसली यूनुस खान, जावेद मियां आजाद। हां तो वो दोनों डिपार्टमेंट क्रिकेट की प्रोडक्ट है, या दोनों डिपार्टमेंट, मतलब वी डोंट नीड डिपार्टमेंट क्रिकेट, वी डोंट नीड जो भी स्ट्रक्चर, हमारा माशाल्लाह नेचुरल टैलेंट इतना है वो ऊपर आ जाएगा। लेकिन जो जो क्रिकेट की जो कंपटीशन है ना, वो लेवल इंक्रीज हो गए स्ट्रक्चर, इसमें कोई शक नहीं है। वो बॉल नहीं लाए हैं, दे आर यूजिंग द कोबरा, और वो 6 टीमें होगी, टॉप प्लेयर्स आते हैं, तो क्रिकेट अच्छी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। देखना ये है अपने आप को, ये सिस्टम सेल्फ सफाइस कर सकते हैं, यानी स्पॉन्सर्स आए नहीं है इस टीम्स के लिए, कुछ हो नहीं रहा, पैसे शैसे आ नहीं रही है, जो 6 एसोसिएशंस बनी है उसको कैसे डेवलप करना है, उसको कैसे आगे लेके जाना है। वसीम खान का रोल है, और वसीम खान का रोल जहाँ भी आता है ज्यादा वो कुछ पता नहीं होता कि पीछे पेट्रन चीफ से कोई ऑर्डर ना आ जाए, और हमने भी ऑर्डर देखे हैं। एग्जैक्टली वही तो कह रहा हूँ कि वसीम खान ने बात की कि भाई हम तो 8 करना चाहते थे, लेकिन पेट्रन साहब ने कहा कि नहीं 6 ही करो। तो मेरा वही पॉइंट है कि या तो ये खान को समझाएं, या खान साहब खुद समझ आ जाए, कुछ पियो, मुझे तक ये सस्टेनेबल मॉडल है कि पीसीबी, बिल्कुल पीसीबी खुद अपने पैसों से डोमेस्टिक क्रिकेट चलाने की कोशिश कर रहा है। मुझे बताओ पीसीबी रेवेन्यू कहाँ से अर्न करता है? पीसीबी रेवेन्यू अर्न करता है पीएसएल से, जो कि अब जाके अभी पूरी पहले पाकिस्तान में बना, तो पीएसएल से बड़ा कम रेवेन्यू, हाँ पीएसएल से बड़ा कम रेवेन्यू मिलता है, या होम सीरीज से या स्पॉन्सर से। यूएई तो हम लॉस में गए हैं, अब जाके हमारी होम सीरीज हुई है, कोविड आ गया, पता कि पीसीबी प्रॉफिट्स बना पाता नहीं बना पाता, तो जो पीसीबी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में पैसे दे रहा है ये कब देगा भाई? डिपार्टमेंट्स के लिए तो फायदा होता था कि वो अपनी टीम्स खुद चलाते थे, तो ये पीसीबी जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में तो पैसे कम दे रहा है, और ये काम भी पीसीबी से कब तक ये सस्टेनेबल मॉडल ही नहीं लगता मुझे, बस ये मेरा कंक्लूजन है। मुझे लगता है मॉडल सस्टेनेबल ही नहीं है, मॉडल सस्टेनेबल तो नहीं है। लेकिन अब मुझे बताएं कि हम बात कर ली इमरान खान की, सिस्टम चेंज नहीं होने लगा, सिस्टम यही रहेगा, कंपेटिटिव क्रिकेट इंक्रीज होगी, लेकिन उन फैमिलीज का होगा। हमारा मकसद यही था इस चैनल पे कहने का, हम फुली एक्सप्रेस करें अपना ओपिनियन उन फैमिली सपोर्ट में, उन प्लेयर्स की सपोर्ट में जो इस वक्त तकलीफ में है।
ये बहुत जरूरी है. मुझे नहीं पता इमरान खान सब्सिडाइज करें उन्हें किस तरीके से क्या करना चाहिए. नो इसके दीज पीपल आर अनएम्प्लॉयड, तो ही हैज़ टू डू समथिंग बिकॉज़ दिस इज हिज डिसीजन. ये सीरियस एक इशू चल रहा है इसको पाकिस्तान के लिए. प्रॉब्ली द प्राइमरी मोस्ट इन मेजॉरिटी, हां मोस्ट इन मेजॉरिटी में ऐसे लोग होंगे जिनके पास कोई और स्किल या कोई और एजुकेशन नहीं होगी. उनके पास जो भाई खेल था पैसे कमाने का जिंदगी में वो क्रिकेट ही था. और वो अल्लाह माफ करे ये जो बात जब शुरू हुई थी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की, मीडिया में बातें चल रही थी कि काफी लोगों को नुकसान होगा और फिर किसी ने कहा कि लोग फिर अपने आप आर्म करने लग जाएंगे. अल्लाह का शुक्र है वो पॉइंट नहीं आया अभी तक, और अल्लाह करे ना आए आगे. लेकिन हार्म तो वैसे ही हो रहा है सारों को बिकॉज़ ऑफ ऑब्वियसली द लॉस्ट इनकम. हां यार मोहसिन, मेरा तो ये ख्याल है कि अगर आपने 6 टीमें करनी भी है ना, क्या बजट है, हां सर, व्हाई नॉट कि ये टीमों का टूर्नामेंट करा लें साल में एक, उसके अलावा साल में आप डिपार्टमेंट्स का एक अलग से टूर्नामेंट करा लें, एक वाइट बॉल टूर्नामेंट करवा लें उनका और एक फर्स्ट क्लास. यस यस, उनको बिल्कुल आप ताकि वहां स्पॉन्सर्स नहीं है और वो फिर लास्ट और बड़ सस्टेनेबिलिटी भी थोड़े से के लिए आ जाएगी. जी जी बिल्कुल, मेरी तो ये ओपिनियन है बस. अच्छा ठीक है ना, अब हम ऑडियंस को छोड़ने लगे हैं. हमारा अगला जो होगा पॉडकास्ट वो होगा इंडियन प्रीमियर लीग पे मैचेस 1-5. और ये बहुत ज्यादा मेरी पहली लीग है, अदनान देखते रहते हैं, वो अपनी ओपिनियन डिटेल में देंगे उस पॉडकास्ट में. सो अंटिल देन उसके लिए ज्वाइन कीजिएगा. और ऑल्सो जैसे आप देख सकते हैं न्यू लेआउट है आप लोगों के लिए, और फेसबुक और इंस्टाग्राम की लिंक्स अवेलेबल हैं टू फॉलो अस एंड लाइक अस देयर. और इंशाल्लाह आपको जल्दी से जल्दी अपडेट मिल जाएगी, जब भी वीडियो की पोस्ट होगी डायरेक्ट फेसबुक पे आएगी. इंस्टाग्राम पे हम थोड़ा सा शुगर लगाते हैं तो उधर भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा. ये दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं. और उसके अलावा मैच फिक्सिंग स्पेशल पे काम चल रहा है, मोहम्मद अजरुद्दीन का नेक्स्ट मैच फिक्सिंग स्पेशल है, यू डोंट वांट टू मिस दैट. सो ये सारा कुछ है चैनल पे. सो इसका मतलब ये, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, व्हाट आर यू वेटिंग, दिस इज टाइम टू सब्सक्राइब गाइस. तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, अंटिल आवर नेक्स्ट आईपीएल वीडियो, आई एम एक्साइटेड फॉर दैट वन. अदान आईपीएल कैसा लग रहा है? शॉर्ट बस यार, अभी तक तो मजा आ रहा है, थोड़ा मजा आ रहा है. ऑब्वियसली बिहाइंड क्लोज डोर्स आईपीएल में तो आ रहा था मुझे बहुत ज्यादा ग्लैमर देखने की, वो इस देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन बड़ा मजा आ रहा है. और मैं ऑडियंस से ही कहूँ कि प्लीज कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, बिकॉज आईपीएल भी मैं तो फॉलो कर रहा हूँ, मोहसिन भी इस वक्त कर रहा है, हम अपना एनालिसिस लेके आएंगे. और थोड़ा सा मैं इसलिए भी कहूँगा क्योंकि काफी हमारे इंडियन जो दोस्त हैं जो इंडिया से देखते हैं, हमारा एक नॉन न्यूट्रल एनालिसिस होगा, क्योंकि हमारी जो कोई पसंदीदा टीम्स ऐसा आईपीएल में उस तरह नहीं है जिस तरह हमारी अपनी पीएसएल में होती हैं. तो आप लोग प्लीज देखें, और जैसे मोहसिन ने कहा कि इस मैच स्पेशल आने वाला है, तो लॉट ऑफ थिंग्स आर इन द पाइपलाइन. तो प्लीज सब्सक्राइब करें. ऑलराइट गाइस, हिट द थम्स अप बटन, आई होप यू लाइक दिस वीडियो. और ऑब्वियसली आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपकी क्या ओपिनियन है इस इमरान खान के डिसीजन. मोहम्मद हफीज गए, हर कोई किया, लेकिन बेसिकली फादर फिगर की तरह उन्होंने बस साइड पे कर दिया उन्हें हंस के. तो आपकी क्या ओपिनियन है, क्या होना चाहिए डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ? अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, एंड अस्सलाम वालेकुम. Allah Hafiz.